एस के प्रसाद जी ने प्रश्न भेजा है, गुरु जी आपके छोटे छोटे उपाय बिना संशय के करता हूँ, खासकर 9 लौंग और 3 कपूर वाला त्रिमनमह का उपाय। मेरे घर में आपसी प्रेम नष्ट हो चुका है, सभी के आपसी रिश्ते बर्बाद हो चुके हैं, हमेशा कलह किच किच होता रहता है, आपसी लगाव लगभग शून्य है, किसी को किसी से लेना देना नहीं है, कोई किसी के सुख दुख में नहीं पड़ता है, केवल मजबूरी वश और सामाजिक लोक लाज के कारण सब एक दूसरे के साथ रिश्ता निभा रहे हैं। कृपया कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे कि परिवार के आपसी लोगों के मध्य प्रेम और लगाव बढ़े, एक दूसरे का सभी सम्मान करें। कृपया कोई उपाय बताने का कष्ट करें। एस के प्रसाद, खुश रहें आप, आपका प्रश्न हम तक पहुंचा है और हमारा उत्तर आप तक पहुंच रहा है। असल में जिस तरह से हमारी परवरिश होती है और जिस तरह से हम सामाजिक जीवन के ताने बाने में अपने जीवन का विकास करते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा कृत्रिमता होती है, उसमें बनावट बहुत ज़्यादा होती है और राजनीति बहुत ज़्यादा होती है। उस राजनीति बनावट असत्य के होने से और संस्कारों की विहीनता से इस तरह की समस्याएं प्राय परिवारों में जन्मती हैं और बनी रहती हैं। अगर आप गौर से देखें तो ये समस्या सिर्फ आपके परिवार भर की नहीं है, हर दूसरे तीसरे परिवार में इस तरह की समस्याएं हैं। आपके लिए ये आपका प्रश्न है, आपके लिए ये आपकी समस्या है, लेकिन मेरे पास तो ऐसे हज़ारों लोगों के, लाखों लोगों के फ़ोन और बातें और उनके सवाल पहुंचते रहते हैं अलग 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 समय में, जिससे इस तरह की सैम्पलिंग होती है और इस तरह की चीज़ों का पता चलता है। तो एक तो इसमें क्या करना चाहिए कि आप बहुत ज़्यादा इस बात को लेकर चिंतित ना हों, बहुत ज़्यादा इस बात को लेकर के परेशान ना हों, और इसमें कुछ चीज़ें हमें आप दूसरों का बदलाव कम कर पाते हैं, हम स्वयं का बदलाव अधिक अच्छे ढंग से कर सकते हैं। जो भगवान बुद्ध का वचन है ना, अप्पदीपो भवा, आप कितने लोगों को बदलने निकलेंगे, कोई बदलता नहीं है, चेंजेस आ नहीं पाते लोगों में, और लोग अपनी बनी बनाई परिपाटी, अपने बने बनाए नियमों और अपनी आदतों के साथ जीते हैं, या मैं ऐसे कहूं कि अपनी आदतों के गुलाम होते हैं, और वो आदतें बार बार पुनरुक्त होती हैं, रिपीट होती रहती हैं, उनकी पुनरुक्ति होती रहती है, उसी से हम जीवन को जीना सीखते हैं और जीवन को जीना समझते हैं। लेकिन इस धरती पर, इस दुनिया में, सिर्फ भारत की बात नहीं है, दुनिया के लगभग सभी देशों में मुझे जाने का मौका मिला है, सभी लोग लॉस्ट हैं, खोए खोए हैं और एक अजीब सी कृत्रिमता में जीवन को जीते हैं। अब ये कृत्रिमता क्यों पैदा होती है? कृत्रिमता कहते हैं बनावटीपन को, आर्टिफिशियलनेस। ये आर्टिफिशियलनेस कैसे आती है? ये आती है भय से, या लोभ से, या डर से, या किसी न किसी तरह के लालच से। ये मोटा मोटी तौर पे, सामान्य तौर पे एक ही तत्व है, लेकिन ये अलग अलग प्रारूपों में उदित होता है। तो उसको अगर एक ही नाम हम लें तो ये जाकर के समाहित हो जाएगा भय में, फिर भय से ही लोभ और लालच और ये बाकी चीज़ें पैदा होती हैं। उसके फिर उस पर, जब ये भय के पेड़ पर लोभ और लालच की शाखाएं निकल जाती हैं तो उस पर फूल पत्ती लगती हैं, घृणा की, ईर्ष्या की, द्वेष की, क्रोध की, हिंसा की, बैर की, और बैर में रहने वाला व्यक्ति प्रतिपल नरक में रहता है। बैर जो है, क्रोध और बैर ऐसे तत्व हैं जिनमें व्यक्ति किसी और की सज़ा स्वयं को देता है। ये मानसिक संवेग हैं, लेकिन इनसे आप उबर सकते हैं, इनसे आप ऊपर उठ सकते हैं। सबसे पहले जो भी व्यक्ति आध्यात्मिक है, उस व्यक्ति के जीवन में ऐसी समस्याएं प्राय समाप्त होने लगती हैं, प्राय रहती नहीं हैं, क्योंकि हर परिस्थिति, देखिए, सिचुएशन एक्सेप्टेड एज दे आर एंड पीपल एक्सेप्टेड एज दे आर। जैसे व्यक्ति हैं, जैसी परिस्थितियां हैं, जैसा आपका जीवन है, जैसी आपकी अवस्था है, इसको स्वीकारने में जब परमात्मा को और परमात्मिक ऊर्जाओं को कोई भी परेशानी, कोई भी भेद नहीं है, तो फिर हमें क्यों हो, हम मनुष्यों को क्यों कर हो। तो
एक तो सिचुएशंस को स्वीकार करना सीखिए, ये थोड़े अभ्यास से हो जाता है संभव। शुरू शुरू में मुश्किल लगता है, मैंने बताया हम अपनी आदतों से जीते हैं, और दूसरे लोगों पर स्वयं को प्रक्षेपित करना छोड़ दीजिए, मतलब ये कॉमन बात, ऐसा नहीं, अब आप इसमें लोग ज़्यादातर जब मैं ऐसी कोई बात करता हूँ तो लोग प्रत्युत्तर देते हैं कि हम ऐसा नहीं करते। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप ऐसा करते ही हैं, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि ऐसा मत कीजिए। प्रक्षेपित कहना है कि हर व्यक्ति के ऊपर आप एक थानेदार बन के सवार हो जाएं। आपको कोई रंग पसंद है, दूसरा भी वही रंग पसंद करे, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। आपको कोई सब्जी और कोई भोजन पसंद है, दूसरे व्यक्ति को भी वही भोजन, वही सब्जी, वही चीज़ पसंद हो, उसी स्वरूप में पसंद हो, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। तो ये हम जब दूसरे लोगों पर थानेदारी बंद करते हैं, दूसरे लोगों पर अपना अतिक्रमण, अपना प्रक्षेपण कम करते हैं, तो हमारे जीवन में प्राय धीरे धीरे सुख का उदय होने लगता है। अब जो हमारी जो आध्यात्मिक परंपराएं हैं, हमारी जो स्पिरिचुअल एक गवर्नेंस है, उसमें जो शब्द आता है स्वामी, उस स्वामी का भावार्थ यही है कि जो अब स्वयं का मालिक है। अब उसे ना आप दुख दे सकते हैं, ना उसे आप सुख दे सकते हैं, उसे आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। वर्धमान भगवान महावीर 7 साल की उम्र में अपनी माता से कहते हैं कि माता जी, मैं संन्यास लेना चाहता हूँ, मैं अध्यात्म की दुनिया में जाना चाहता हूँ, परमात्मा के कार्य में लगना चाहता हूँ। वो मना करती हैं, जैसे कि प्राय संसार में होता है, और हम सोचते हैं कि जैसे जो संन्यास है या जो अध्यात्म है या जो धर्म का मार्ग है, ये बड़ा कष्टकारी है, या इसमें एक वैराग्य पैदा होता है, एक आदमी अपने ही स्वामी हो जाता है ना, स्वयं को फिर स्वामी कहलाने लगता है, तो वो अपने स्वामी बना है स्वयं से, और स्वयं बना है जो अपना स्वामी स्वयं है, जो अपना मालिक स्वयं है। अब वो किसी भी चीज़ पर, किसी पर आश्रित नहीं है, तो वो मना कर देती हैं, तो वो कहते हैं जैसे आपकी इच्छा, ये भी ठीक है। ऐसा होते होते 12 वर्ष हो जाते हैं, लेकिन महावीर जो हैं वो घर में रहते रहते ही जैसे संन्यास्त हो गए, जैसे सन्यासी हो गए, जैसे वैरागी हो गए। अब उनका किसी चीज़ से कोई संबंध नहीं रहा, अब कहीं कुछ अच्छी बात होती है तो उन पर कोई प्रभाव नहीं आता, कहीं कोई बुरी बात होती है तो उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं आता। वो समावस्था में है, वो एक ठहरा हुआ जल हो गए, वो एक फूल के ऊपर जमी हुई ओस की बूंद हो गए, और उस पर कोई भी तरह का प्रभाव अब काम नहीं करता। तो उनकी माताजी स्वयं ही एक दिन कहती हैं कि महावीर, वर्धमान नाम था उनका, कि वर्धमान महावीर, तो उनको बाद में हमने, मतलब पूरे समाज ने उनको स्वीकार किया, उनका जो नाम था उसमें कहा गया, और महावीर से महावीर बना है। और महावीर कहते हैं जिसने सभी चीज़ों पर विजय प्राप्त कर ली हो, सभी इच्छाओं पर, सभी अपेक्षाओं पर, सभी तरह की परेशानियों पर, और सभी तरह के सुखों पर भी, और सभी तरह के दुखों पर भी। यानी मनुष्यत्व के जीवन में, एक मनुष्य के जीवन में जितने भी तरह के संवेग आते हैं उससे वो ऊपर उठ गए, तो फिर वो महावीर कहलाए। तो वो कहते हैं, कहती हैं उनकी माता कि वर्धमान, तुम तो मुझे अब ऐसे ही लगते हो कि हमारे किसी काम के तो तुम रहे नहीं, तुम घर में हो हमें पता नहीं चलता, एक एक हफ्ते तक तुम्हारी कोई आवाज़ नहीं आती, तुम्हें किसी से कोई परेशानी नहीं है, और किसी को तुमसे भी अब कोई परेशानी नहीं है। तो तुमने एक बार मुझसे जिक्र किया था कई साल पहले कि मैं संन्यास के मार्ग पर जाना चाहता हूँ, मैं परमात्मा के पथ पर जाना चाहता हूँ, तो मैं आज तुम्हें स्वतंत्र करती हूँ कि तुम जाना चाहो तो जा सकते हो। तो ये अब पीपल एक्सेप्टेड एज दे आर, सिचुएशन एक्सेप्टेड एज दे आर। आपके घर में जो स्थिति है, आप कोई अछूते नहीं हैं, बहुत सारे घरों में यही स्थितियाँ हैं। जिंदगी हम जीना नहीं जानते, जीवन को हम जीते नहीं हैं, सिर्फ जीवन को काटते हैं। मृत्यु की प्रतीक्षा जीवन नहीं है, जीते जिंदा रहते रहना ही कोई जीवन नहीं है। जीवन बना है आपकी समग्रता के लिए, जीवन बना है आपके सभी तरह के संपूर्ण सुस्वादों के भोग के लिए, जीवन बना है पूरी स्थिरता के लिए, जीवन बना है आपके समग्र रूपेण जिंदगी को जीने के लिए। ये जो हम कुनकुना जीते हैं, ये जो हम हिस्सों में जीते हैं, हम कहाँ जी पाते हैं, और जो हम पोस्टपोन करते हैं। देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ कि ना भूतो ना भविष्यति, ना तो आप भूत में जियो, भूत यानी कि पास्ट में, जो बीत गया, ना तो आप उसमें जियो, और ना आप भविष्य में जियो, जो भी आया नहीं है, ना तो अतीत में जियो और ना ही भविष्य में जियो। जीना ही है तो वर्तमान में जियो,
जो आपके हाथ में है और जो प्रतिपल मुट्ठी से रेत की भांति क्षरित हो रहा है, जो स्खलित हो रहा है, जो समाप्त हो रहा है। तो आपको वर्तमान में जीना आना चाहिए। जब आप वर्तमान में जीने की कला का विकास करेंगे तो इस तरह की शिकायतें समाप्त होने लगती हैं। इस तरह की शिकायतों के पैदा होने का एक और भी बड़ा कारण है। पिछले 100 वर्षों में अगर हम देखें तो जैसे जैसे विज्ञान की प्रगति होती गई है, वैसे वैसे संस्कारों की अवनति होती गई है। साधारण रूप से हमें लगा कि बहुत आसानी से अगर हम सुखी होना चाहें या सुख की परिभाषा करें तो विज्ञान हमारे लिए उसमें सहायक सिद्ध होता है। विज्ञान, आपने एक बटन दबाया और पंखा आपको हवा झलने लगा, आपने एक बटन दबाया और अग्नि आपके लिए भोजन पकाने लगी, आपने एक सेल्फ का की चाबी लगाई और कार आपको लेकर के आपके गंतव्य तक जाने लगी। तो धीरे धीरे क्या हुआ, हमारा परस्पर जुड़ाव, लगाव, संबंध, व्यवहारिकता कम होती गई और हम चीज़ों पर अधिक आश्रित होते गए। अभी जो समय चल रहा है, और अभी मैं सबसे बोल रहा हूँ, अभी जो कोरोना का जो समय है, COVID-19 का जो काल है, ये बहुत सुखद नहीं है, लेकिन सुखद भी है। सुखद इस नज़रिए से नहीं है कि हम जिस तरह के सामान्य दिनचर्या में, सामान्य जनजीवन में जी रहे थे, वो प्राय लुप्त हो गया है, वो एक समस्या से ग्रस्त हो गया है। और सुख का कारण ये है कि आपको अपने लिए एक विराम मिला है, आपको अपने लिए एक स्पेस मिला है, आपको अपने लिए एक आयाम मिला है, एक स्थान मिला है जिसमें आप स्वयं के साथ संबद्ध हो सकते हैं, स्वयं के साथ जुड़ सकते हैं। और मैं एक बात और आपसे कहना चाहता हूँ, जैसी परिस्थितियाँ हैं, जो ग्रहों की, गोचरों की अवस्थाएँ हैं, और जैसा ये वर्ष है, अभी ये अक्टूबर नवंबर तक जाते जाते विक्षिप्तताएँ और बढ़ेंगी, पागलपन और बढ़ेगा, लोगों में मैडनेस और बढ़ेगी, लोग व्यवहार के तल पर और अधिक संक्रमित होंगे, परेशान होंगे, लोगों का लगाव कम होगा, वैमनस्य बढ़ेगा, बैर बढ़ेगा, शुद्धता बढ़ेगी, क्योंकि हमारे जो पेशेंस का तल था, हमारा जो धैर्य का जल था, वो उथला हो रहा है। हम इतनी गहराई से, इतने प्रेम से, इतनी सहानुभूति, इतने सहयोग, इतने सामंजस्य, इतने स्नेह, इतने सत्कार से रहने के अभ्यस्त नहीं थे। हम बिखरे बिखरे रह रहे थे और बिखरे बिखरे जी रहे थे। अब वो बिखराव सिमटकर एक मुट्ठी की तरह बंध गया है और मुट्ठी बांधने का अभ्यास हमें है नहीं, तो मुट्ठी बंधी हुई मुट्ठी एंजाइटी पैदा करती है, तनाव पैदा करती है। तो आने वाले समय में ये विक्षिप्तताएं, ये पागलपन, ये मानसिक संवेग और ज़्यादा प्रबल होंगे, तो और ज़्यादा सतर्क रहिएगा, और ज़्यादा होशियार रहने की ज़रूरत है और शांत रहने की ज़रूरत है। अब जैसे मैंने इशारा किया था कि आध्यात्मिकता इस सब चीज़ों को संतुलित करती है, कि संस्कार, अगर हम बचपन से संस्कारों का विकास करें और जीवन के जो हमारे आयाम हैं उनसे हम जुड़े रहें, किसी भी पद्धति को आप अपनाते हों, किसी भी धारा से आप जुड़े हों, आप सनातनी हों, आप वैदिक हों, आप तंत्र की शाखा को मानते हों, आप वैष्णव हों, आप शैव हों, आप शाक्त हों, आप शक्ति संप्रदाय को मानने वाले हों, आप गुरु व्यवस्था में विश्वास करने वाले हों, आप किसी भी तरह के किसी अवतार में श्रद्धा रखते हों, किसी भी तरह के किसी जो हमारे पुराने हमारे गुरु रहे हैं उनकी देशनाओं में अपना विश्वास रखते हों, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। सभी मार्ग एक ही गंतव्य तक ले जाते हैं, और कभी कभी विपरीत मार्ग भी सही गंतव्य तक ले जाते हैं। जो रास्ता दिल्ली से देहरादून तक आता है, उसके विपरीत एक रास्ता पांवटा साहिब से भी देहरादून तक आता है, और एक तीसरा रास्ता बिजनौर और हल्दौर और नहटौर से होता हुआ भी देहरादून तक आता है।
और कोई चौथा रास्ता भी जो कुमाऊं मंडल से होता है गढ़वाल में प्रवेश करते हुए देहरादून तक आता है। लेकिन जिसने जो रास्ता देखा है वो उसी रास्ते को ठीक मानता है और उसी रास्ते पर चलते रहना चाहता है, उसी रास्ते को अपनाए रखना चाहता है और उसी रास्ते के अनुभवों को सही और सार्थक मानता है और उसी रास्ते के अनुभवों को दूसरों से साझा और शेयर करता है। लेकिन रास्ते तो सब ठीक हैं और हर रास्ते का अपना एक मज़ा है। जो खाने पीने और सुस्वाद का मज़ा दिल्ली से वाया मेरठ और मुजफ्फरनगर होते हुए देहरादून तक है, वो मज़ा बिजनौर और नहटौर और हल्दौर में नहीं है। जो प्रकृति का आनंद, जो हाईवे पर चलने का सुख करनाल और पांवटा साहिब और यमुनानगर से होते हुए आने का है, वो इस वाले पर नहीं है। और प्राकृतिक झरने, ताज़े फल, ताज़ी चीज़ें, ताज़े लोग और हमारी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से रचे बसे गीतों को सुनते हुए आने का जो मज़ा कुमाऊं मंडल से है, वो इन दोनों रास्तों से नहीं है। और जो गुड़ के बनते हुए कोल्हू पर बनता हुआ गुड़, खेत खलियानों में खड़े हुए गन्ने के गन्ने और लहलहाती खेतियां और नदी और जल के प्रवाह, देखने का मज़ा बिजनौर की तरफ से है, वो इन तीनों रास्तों की तरफ से नहीं है। रास्ते सब मज़ेदार हैं, पहुँचना आपको देहरादून ही है। तो आपकी नज़र देहरादून पर होनी चाहिए। उदाहरण के तौर पर मैंने इस प्रसंग को लिया है, जो भी गंतव्य है उस पर, तो गंतव्य क्या है? परमात्मा। गंतव्य है ईश्वर, गंतव्य है सद्गुरु, गंतव्य है सद्गति, गंतव्य है सदशिक्षा, गंतव्य है सद्ज्ञान, गंतव्य है आपकी सद्गति। तो उस पर पहुँचना है, उसको ध्यान में रखना है, वो आपका परम ध्येय होना चाहिए। परम चेष्टा सिर्फ उसी के प्रति होगी तो कोई भी मार्ग हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक काम और कर लीजिए, सभी लोगों के लिए ये उपाय हो सकता है, किसी भी धर्म में, कोई धर्म ऐसा नहीं है जिसमें अग्नि की पूजा ना हो, कोई भी धर्म नहीं है जिसमें अग्नि की पूजा ना हो। तो लेकिन जो करना चाहे वो कर सकते हैं, एक छोटा सा साप्ताहिक हवन प्रारंभ कीजिए अपने घरों में। आपको कोई मंत्र नहीं आते, कोई बहुत सारी क्रियाएं नहीं आती, बहुत सारी चीज़ें नहीं आती, उतनी गूढ़ता में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हमारी बहुत सारी विधियां छोटे छोटे यज्ञों की पढ़ी हैं, उनसे कर लीजिए। वो भी नहीं कर सकते हैं तो और आसान कर देता हूं आपके मार्ग को। कम से कम एक बिलांत का एक हवन कुंड ले लीजिए, तांबे का हवन कुंड ले लीजिए, चार उसके साथ में जो जलहरी जो हमारे छोटे छोटे पात्र होते हैं जलपात्र, वो ले लीजिए, चार चम्मच ले लीजिए। हवन सामग्री और गाय का घी अपने घर में रखिए। प्रतिदिन रविवार को सारे परिवार के लोगों को बैठाइए। शुरू में बैठेंगे नहीं, उनको मज़ा नहीं आएगा, मजाक उड़ाएंगे, वो हंसेंगे, उन्हें दिक्कत होगी, वो उस समय को काटना भारी होगा, लेकिन धीरे धीरे अभ्यास बनने लगेगा। छोटा सा 8-10 आहुति से हवन प्रारंभ कीजिए। कोई आहुति आपको, कोई मंत्र नहीं आते, कोई परेशानी नहीं है, आप सिर्फ गायत्री से, गायत्री महामंत्र से ही, 9 गायत्री महामंत्र, 18 गायत्री महामंत्र, 27 गायत्री महामंत्र, जितना आप कर सकते हैं उससे छोटी छोटी आहुति दीजिए, सबको बैठाना प्रारंभ कीजिए। और उसके बाद एक कोई मीठा प्रसाद बना लीजिए घर में, हलवा या जो भी चीज़ आप बनाना चाहें, कोई एक चीज़ बना लीजिए, सब मिल बैठ करके इसको करना प्रारंभ कीजिए। बहुत सी समस्याएं समाप्त होने लगेंगी 4-6 महीना होते होते ही, और साल भर तक जाते जाते आप मुझे वापस मैसेज भेजेंगे कि काफ़ी चीज़ें ठीक हो गई हैं और हम बड़ा अच्छा सा महसूस कर रहे हैं। और 2-4, 5-10 साल होने के बाद तो फिर आनंद ही आ जाएगा। और धीरे धीरे इसको बढ़ाते जाना, शुरुआत गायत्री से करना, फिर ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना को जोड़ना, फिर व्याहृति मंत्र जोड़ना, फिर अज्ञा आहुति जोड़ना, फिर उसमें जो है शांति प्रकरणम को जोड़ना, फिर उसमें स्वस्ति वाचनम को जोड़ना, फिर उसमें बहुत सारे मंत्र हैं उन सबको जोड़ते जाना, तो आपको और आनंद आता जाएगा और बहुत बढ़िया चीज़ें हो जाएंगी, आपकी समस्याएँ समाप्त हो जाएंगी। एक दूसरा काम और करिए, ये तो हुआ परमात्मा का भोजन जो यज्ञ आपने किया। अब जो आप स्वयं का भोजन करते हैं, आप जितने भी परिजन हैं, आप सब इकट्ठे बैठकर भोजन करना प्रारंभ कीजिए। एक किसी भी तरह से उसे एडजस्ट करने की कोशिश करें, जो भी आहार हैं, जब तक बहुत मजबूरी ना हो, जिनके साथ विवशता है, कोई ऑफिस टाइमिंग्स हैं, कुछ है तो उसकी बात अलग है, लेकिन जितने लोग घर में उपलब्ध हैं सब इकट्ठे एक साथ बैठ करके भोजन करने का प्रयास करें। एक टेबल पर बैठकर खाना खाने का प्रयास करें, एक जगह चौकी लगा करके, एक जगह फर्श पर बैठ करके खाना खाने की कोशिश करें, इकट्ठा खाना खाने की कोशिश करें। और जब हम एक साथ भोजन करते हैं बहुत सारी समस्याएं समाप्त होती हैं, बहुत सारे मन के संवेग हम शेयर करते हैं, अपनी एक दूसरे से एक दूसरी बात करते हैं, और हम बहुत सारी चीज़ों के समाधान वहीं हमारी डाइनिंग टेबल पर ही हो जाते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आप अगर अपने जीवन में शामिल कर सकेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आपके जीवन से बहुत सी समस्याएँ समाप्त होंगी और आप
आपका जीवन सुखमय होगा। बहुत शुभकामनाएं।